फ्रेंड्स, तो मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है। स्वागत है आपके हमारे चैनल बिकॉम मिलियनेयर में। तो कैसे हैं फ्रेंड आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने एक मैसेज किया था कि हमारे नाम पे या हमारे पैन कार्ड पे कितना डीमैट अकाउंट ओपन है या क्लोज हो गया, हम कैसे पता करें। तो हालांकि ये थोड़ा तो मुश्किल क्वेश्चंस है, बट मैंने बहुत सर्च किया इस पे, और गूगल पे भी और यूट्यूब वगैरह में सब जगह मैंने इसे देखा, पर एक सिंगल वीडियो भी इस टॉपिक पे नहीं मिला। ये जो अपलोड होने वाला है, ये अपलोड हुआ जो फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि उनका कहना है कि मैंने 2-3 साल पहले मैंने डीमैट अकाउंट ओपन किया था, और मेरे को भी खुद भी याद नहीं है कि मैं किस मतलब कंपनी या मतलब किस ब्रोकर में अकाउंट ओपन किया, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा हो गया, ऑफस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, तो मैं किस मतलब कंपनी में ओपन करवाया था ये मैं याद नहीं है। तो मैं कैसे पता करूं कि मेरे मतलब पैन कार्ड पे या मेरे नाम पे कितने डीमैट अकाउंट अभी एक्टिव है और क्लोज हो गए। हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, पर आज तक कोई इस टॉपिक पे वीडियो अभी तक नहीं बनाया, ये पहला वीडियो है यूट्यूब पर। तो गाइस, मैंने बहुत सर्च किया पर मेरे को इसका आंसर नहीं मिला। फिर मैंने एक थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया कि मतलब कैसे पता चलेगा। तो जैसे कि एक NSDL और CDSL का तो नाम आपने सुना होगा, ये इंडिया का 2 डिपॉजिटरी है। जैसे कि बैंक हमारा कैश को अपने अपने पास डिपॉजिट करती है, ऐसा ये NSDL और CDSL है जो हमारे बॉन्ड्स को, हमारे स्टॉक को इलेक्ट्रॉनिक वे में वो अपने पास डिपॉजिट रखते हैं। तो उनके पास तो डिटेल हो गई होगा। तो मैंने सोचा चलो NSDL से बात किया जाए। तो NSDL पे मैंने गूगल पे बहुत सारे नंबर सर्च किए, बट मेरे को एक भी नंबर नहीं लगा, एक नंबर से भी बात नहीं हो पाया। तो ऑफिशियली मैं ग्रो के कस्टमर से मैंने बात किया और मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने एक नंबर प्रोवाइड किया, क्योंकि उनका CDSL से ही अकाउंट लिंक है, मतलब उनका जितना भी स्टॉक उनके थ्रू होता है वो CDSL में जाके डिपॉजिट होता है। तो मैंने उनसे नंबर लिया, उन्हें नंबर देने के लिए तो थोड़ा मना किया, पर मैंने कन्विंस कर लिया, तो उन्होंने नंबर दिया। तो मैंने उनसे बात किया, पर मैंने बोला कि सर मेरा नाम पे कितने अकाउंट अभी एक्टिव है मेरे पैन कार्ड पे, क्योंकि मैंने 3-4 साल पहले मैंने अकाउंट ओपन किया था, बट मेरे को याद नहीं है कि मैं किन किन कंपनी में या किन किन ब्रोकर के पास मैंने अकाउंट ओपन किया था, तो आप प्लीज़ चेक करके बता सकते हो। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप पैन कार्ड नंबर अपना बताइए। तो पैन कार्ड में नंबर अपना बताया, उनके बाद नाम पूछे, तो नाम बताने के बाद उन्होंने बता दिया कि आपका इस अकाउंट में आपका अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन है। तो जैसे कि 2 है, तो हो सकता है कि कोई कंपनी NSDL से लिंक हो, कोई CDSL से लिंक हो, तो आपको दोनों पे एक बार ट्राई करें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मतलब सॉरी नंबर मिल जाएगा NSDL का और CDSL का टोल फ्री नंबर, इससे आपसे बात हो जाएगी और स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। तो सिंपली आपको कस्टमर से बात करना है। तो कैसे बात करना है थोड़ा अगर मैं बताऊँ ना, प्रोसेस थोड़ा लंबा है, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो। तो आप तो उतना मैच्योर्ड हो कि आप कस्टमर से बात कर लोगे खुद से लगा के। तो आपको जस्ट कॉल लगाना है, वहाँ पे रिंग होगा, या बहुत मुश्किल से 2-3-4 बार करोगे तब फ़ोन लगेगा। और जैसे कि आप लगेगा तो फिर क्या करना है ना, आपको फ़ोन लगाने के बाद आपको बोलना है कि सर मेरे पैन कार्ड पे कितने अकाउंट डीमैट अकाउंट अभी एक्टिव हैं और कितने क्लोज हो गए हैं, क्योंकि मेरे को पता खुद नहीं है, क्योंकि मैं 3-4 साल पहले अकाउंट ओपन किया था और मेरे को याद नहीं है कि मैं किस ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन किया था। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करिएगा कि आप प्लीज़ मेरे को बता सकते हैं कि मेरे किसकी, तो पैन कार्ड नंबर लेंगे, नाम पूछेंगे और आपका बता देंगे कि इस मतलब ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव है और इस ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो ये आपका हेल्प कर देंगे। तो CDSL में भी सेम प्रोसेस है और NSDL में भी सेम प्रोसेस है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके पता लगा सकते हो कि आपके मतलब पैन कार्ड पे कितने डीमैट अकाउंट एक्टिव हैं। तो आई होप फ्रेंड कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्रेंड ऐसा मतलब अभी तक वीडियो नहीं मिला है, जैसे कि अभी तक वीडियो की अपलोड नहीं हुआ है, तो ऐसे भी एक ऑल ओवर एक आइडिया नहीं रहता इंसान के पास। तो थोड़ा सा मेरे को उसमें प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मेरे को बहुत सारा चीज़ को देखना पड़ा, बहुत सारी चीज़ में मुझे सर्च करना पड़ा, बहुत खूब मेहनत लगी इस वीडियो में बनाने के लिए फ्रेंड्स। तो 1 लाइक तो बनता है फ्रेंड्स इस मेहनत के लिए, क्योंकि थोड़ा दिमाग बहुत मेरा खर्च हुआ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कस्टमर का नंबर देखा, एक भी नहीं लगा। फिर मैंने NSDL का नंबर देखा, वो भी नहीं लगा।
पर लास्ट में मैंने ग्रो के कस्टमर से बात किया, ग्रो के कस्टमर से उसके बाद मेरे को नंबर मिला, उसके बाद मैंने फ़ोन लगाया, उसके बाद ये डिटेल आया है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रो मतलब सॉरी मैंने NSDL और CDSL के कस्टमर से कैसे बात करते हैं, तो इस पर आप नीचे कमेंट करो कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दो, तो मैं डायरेक्ट कॉल करके लाइव आपको पूछ के आप एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको कॉल करने में आसानी होगी। अगर चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो मैं जल्दी वीडियो लाने का कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। तो और एक नोटिस बताना चाहूँगा कि एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी न्यूज़ वगैरह जो होती है अपडेट और न्यूज़ वगैरह मतलब स्टॉक मार्केट का न्यूज़ और इंट्राडे प्रोवाइड करता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी होगा और स्क्रीन पर भी व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा, तो कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह होता है तो आप मैसेज कर सकते हो। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प कर सकूं, क्योंकि पर डे बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, 15-20-25 मैसेज डेली आ जाते हैं। तो गाइस तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि रिप्लाई करने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा शॉर्टेज करने में थोड़ा टाइम होता है फ्रेंड। तो थोड़ा सा लेट अगर हो जाए तो प्लीज़ माइंड नहीं करिएगा, और भाई को प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट करिए, वीडियो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, और आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद।